चलिए ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या। यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध करें कि रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या, कभी देता है रूट दो एक अपरिमेय संख्या, कभी देता है रूट तीन एक अपरिमेय संख्या। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ठीक से यहाँ देखिए। तो हम इसके विपरीत मान लेंगे कि माना कि, यहाँ हम लिखेंगे कि माना कि रूट पाँच एक परिमेय संख्या, इसका विपरीत मान लेंगे हम, ठीक है। रूट पाँच एक परिमेय संख्या है, जहाँ जैसे रूट पाँच एक परिमेय संख्या है तो रूट पाँच क्या हो जाएगा, रूट पाँच बराबर पी बाय क्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या पी बाय क्यू के रूप में रहता है, जहाँ क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा, और पी और क्यू जो है, पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ ये लिख देना है, जहाँ पी और क्यू क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको समीकरण पहला मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक से समझना आपको, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट फाइव का स्क्वायर कर देंगे, पी बाय क्यू का स्क्वायर करेंगे, तो रूट फाइव का जब स्क्वायर करेंगे तो फाइव आएगा, और पी बाय क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइव क्यू स्क्वायर हो गया बराबर पी स्क्वायर, फाइव को उस साइड भेज देते हैं तो पी स्क्वायर बटे फाइव हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे फाइव हो गया। इसको हम समीकरण दूसरा कह देते हैं, ठीक से देखिए। तो एक बात ध्यान दीजिए कि अगर पी स्क्वायर फाइव से डिवाइड है तो पी भी क्या होगा, पाँच से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए दस का स्क्वायर अगर पाँच से विभाजित है, दस दहाई एक सौ, ये पाँच से विभाजित है, तो दस भी जो है पाँच से विभाजित होगा, समझ में आई बात। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अगर पी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे अगर पी स्क्वायर फाइव से विभाज्य है तो पी भी फाइव से विभाजित होगा, पी भी फाइव से क्या होगा, विभाजित होगी, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि पी का एक गुणनखंड पाँच है, पी का एक गुणनखंड पाँच है, तभी है ना ये इसको काट देता है, अगर गुणनखंड नहीं रहेगा, पी का एक गुणनखंड पाँच है, गुणनखंड नहीं रहेगा तो नहीं काटेगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं, फिर आगे देखिए, इससे आगे हम बनाते हैं, लिखते हैं माना कि P बराबर 5m, जहाँ m क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, जहाँ m जो है, m कोई पूर्णांक है, कोई संख्या है, m कोई पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ m कोई क्या है, पूर्णांक है। अब जो हम इस समीकरण एक यहाँ माने, समीकरण दो यहाँ, इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, समीकरण दो मान लिए, यहाँ पर जो है इसको हम समीकरण तीन मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण तीन मान लेते हैं। अब समीकरण दो से हम उठाएंगे, समीकरण दो से ले रहे हैं, तो समीकरण दो क्या है भाई, q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय फाइव है, ठीक है। अब P का मान यहाँ लिख देते हैं समीकरण तीन से, यहाँ ध्यान से देखिए बोर्ड पर, P का मान समीकरण तीन से, तो Q इक्वल टू पी का मान क्या है, फाइव है, फाइव एम है, तो फाइव एम का स्क्वायर बटा फाइव,
तो हो गया आपको 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 एम स्क्वायर बटे 5 25 यानी 5 एम स्क्वायर, कितना आया 5 एम स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर आया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5, क्यू स्क्वायर बटा 5। अब ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा जगह का अभाव है इधर लिखते जा रहे हैं, आप अपना कॉपी में सीधा लिखिएगा, लिखेंगे क्यू 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो स्थिति 1 और 2 को हम देखते हैं, स्थिति 1 और 2 से देखिए, स्थिति 1 एवं 2 को जब हम लेते हैं, 2 से P और Q जो है में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, 5 है, तो अतः रूट 5 जो है परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। हम जो माने हैं, हमारा मानना है ना, लिख सकते हैं यहाँ कि मेरा मानना गलत है, मेरा मानना गलत है और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आप जो माने हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, सिद्ध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हुआ, ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसको आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसके बाद चैनल पर बने रहिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन है उसको दबा देना है, और इसके बाद जो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।